फिल्म अभिनेता व प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मनोज पंडित जी अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले पंडित जी सामाजिक सरोकारों से जुड़ी फिल्म काली हम सबको दे गए। 4 अगस्त को दिल्ली NCR के एक होटल में मनोज पंडित जी की फिल्म काली का प्रमोशन हुआ, जिसमें पंडित जी ने अपनी पूरी टीम व अतिथियों का दिल खोलकर स्वागत व सम्मान किया। किसी को क्या पता था कि रचनात्मक सोच व सम्मान के धनी एक कलाकार व मशहूर कार्टूनिस्ट इस तरह से हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। मीडिया नई सुबह परिवार की ओर से मनोज पंडित जी को श्रद्धांजलि व सादर नमन। 4 अगस्त को दिल्ली NCR में फिल्म काली के प्रमोशन का वह कार्यक्रम जो फिल्म अभिनेता मनोज पंडित जी के जीवन का आखिरी आयोजन था और काली उनकी आखिरी फिल्म रही। फिल्म काली के प्रमोशन के दौरान मनोज पंडित जी से मीडिया नई सुबह की आखिरी बातचीत। सर, आज काली फिल्म का उद्घाटन हुआ, विमोचन हुआ, शुरुआत हुई है, क्या कहेंगे आप? बस इसमें आप सभी लोग आए, सभी दोस्त यार संबंधी सभी लोग आए, फिल्म को देखे, हम कलाकारों का हौसला बढ़ाए और एक्चुअली हम लोग फिल्म भी आप ही लोग के लिए करते हैं कि जब तक दर्शक नहीं मिलेगा, देखिएगा नहीं, तब तक हम लोग क्या एक्टिंग है या एक्सप्रेशन दे हैं। तो ये फिल्म एक सत्य घटना पर आधारित है, खास करके इसके जो निर्माता दयाशंकर गुप्ता है वो झारखंड में है। उनका मोटिव है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जिसमें नए नए लोगों को चांस मिले, काम मिले, अगर मुंबई ही जाना है तो अपने इस फिल्म को लेकर जाए। आपने इस फिल्म में कौन काम किया? मैं इस फिल्म में पिता के कैरेक्टर में, एक ऐसा पिता जिसका बेटा गलत कहिए या जो भी कहिए सत्य घटना पर आधारित है, उस पर हूँ मैं। मेरे दोस्त की बेटी के साथ जो घटना घट जाती है, मेरे दोस्त की बेटी के साथ ही मैं अपने बच्चे की शादी भी करना चाहता था, वो है इसमें। तो मैं कोशिश किया कि अच्छा लगे। जी नमस्कार, मैं अनिता बोले। फिल्म आप सब लोगों ने देखी, आज एक स्क्रीन प्लेइंग हुआ फिल्म का और स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ फिल्म का। मैं इस फिल्म के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया और आगे भी हम इस टीम को लेके चलेंगे, आगे भी और बहुत सी फिल्म बनाएंगे इनको लेकर। और फिल्म में आप कॉमेडियन करो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इसमें राजीव वर्मा ने रोल किया और सभी लोगों सब कलाकार ने अपना काम बहुत ही अच्छे तौर अच्छे तरीके से किया, लेकिन राजीव वर्मा जी का रोल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये टीम आगे एक सफल एक मुकाम पर एक नए आप लोगों को आगे आप जैसे दर्शकों को इस तरीके से एक मनोरंजन करते रहे और हम लोग आप लोगों का मनोरंजन करते रहे आप लोगों को इस फिल्म के द्वारा और आगे कई नई नई फिल्मों से आप लोगों को मनोरंजन करते रहे। आपका मन आपके आपकी जो टेंशन है आपके अंदर से लाइफ अभी लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन आएगी, छोटी छोटी चीजों को लेके बच्चे से लेके बड़े में टेंशन आएगी, ये फिल्मों हम फिल्म के द्वारा आप लोगों की चीजों को आपके टेंशन को देखते हैं और रिलीज करने की कोशिश करते हैं और एक आपको मनोरंजन आपका करते हैं। धन्यवाद। आपका नाम बताइए और आपका क्या किरदार था? मैं इंस्पेक्टर पुष्पेंद्र कुमार, मेरा इसमें किरदार पुलिस इंस्पेक्टर का है, बहुत ही अच्छा रोल है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सभी लोग आए, सभी ने फिल्म देखी, एक कलाकार भी सदौर क्या चाहिए। और बहुत अच्छा काम रहा हम सभी का, पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम करा, हमारी जो इस प्रोजेक्ट की मैनेजर अनिता पंडित जी है, सभी को पूरी अच्छे से संभाला, सबको अच्छा काम करा और सबने बहुत अच्छा काम करा। ये फिल्म बहुत अच्छी है, सामाजिक फिल्म है, जाति बंधन को तोड़ती हुई फिल्म है और ये फिल्म आगे जाएगी। आप लोगों का अगर इस पे प्यार बना रहा तो फिल्म आगे जाएगी, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, मेरा नाम अफजल खान है। सर, इस फिल्म के अंदर हीरो का छोटा भाई घंटा है जी, सेकंड हीरो, जो भी समझ लीजिए। इस फिल्म में काम करने के लिए सर हमने बहुत प्रयास भी किया था, बहुत कोशिश किया था, बहुत मेहनत किया था और इसमें किया था, लेकिन मनोज सर बार बार फोन करके बोलते थे कि कोशिश करो इसमें काम मिलेगा, आखिर सर हमें काम मिला। इस फिल्म के अंदर काम करके सर हमें ऐसा लगा कि अब हम आगे और भी काम कर सकते हैं। सर, इस फिल्म में काम करने में बहुत मजा आया क्योंकि इस फिल्म में जितने भी टीम है, जितने भी लोग हैं, देव या
नीता मैम, मनोज सर, जितने भी सब कॉपरेट किए, सभी एक दूसरे को कॉपरेट किए सर, ताकि सभी कलाकारों को ऐसा ना लगे कि हम किसी के नीचे दबे हुए हैं। तो सर हमें जितना खुशी इस फिल्म में काम करके हुआ है, उम्मीद है कि हम चाहेंगे कि आगे और भी फिल्म जो भी हमें मिले इसी खुशी इसी हिम्मत के साथ करें। ऐसे तो सर ने बोला ही है कि 2 महीने बाद एक और प्रोजेक्ट होने वाली है, इसमें लीड रोल हमें रखा गया है। तो सर हमें हम चाहेंगे कि आप लोग का आशीर्वाद और दुआ रहे कि हम आगे और भी काम करें और हमारी इस काली फिल्म को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखें, शेयर करें और भाई लोग को बोले भाई देखें अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बस सर यही कहना चाहेंगे सर। मैं इस फिल्म में विलन के रोल में हूँ और बहुत ही बेहतर काम किया है हमने भी और काफ़ी मेहनत किया है इस फिल्म के लिए और 100% मैंने कोशिश की इस फिल्म में जो हमें जो स्क्रिप्ट दिया गया था, जो रोल दिया गया था, उससे पूरा उतरने की कोशिश किया है मैंने। मिला जुला के देखा जाए तो बहुत अच्छी फिल्म बनी है और जातिवाद वाली जो अभी परंपरा छोटे नीच छोटी जाति बड़ी जाति ये सब जो चलता आ रहा है, इस फिल्म में वो चीज़ को ख़त्म किया गया है और बेहतर बहुत अच्छी फिल्म बनी है। ये मेरी पहली फिल्म है, इत्तेफाक की बात है जो हमें इस रोल के लिए चुना गया। एक्चुअल मैं जहाँ फिल्म की शूट हुई थी वहाँ ऑडिशन देने गया था, वहाँ पावर डिवीजन में मैं सीनियर एक्सिक्यूटिव के पोस्ट पर हूँ और अभी फिलहाल मैं उत्तराखंड आ गया हूँ। तो उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल एक डिस्ट्रिक्ट जगह है, वहाँ पे सब डिवीजन एक कोर्ट वार्ड जगह का नाम। सर मेरा नाम एक्टर राजीव वर्मा है। काली फिल्म के बारे में क्या बताएंगे? अब तक का जो मेरा फिल्मी सफर रहा वो काफी अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं हुई, ना किसी डायरेक्टर से ना किसी प्रोड्यूसर से। सभी लोगों ने मुझे सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद बनाए रखा मेरे ऊपर और मैं लगातार आप लोगों के आशीर्वाद से प्यार कर जो है काम कर रहा हूँ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से। और ये फिल्म काली की अगर मैं बात करूँ तो ये फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये उन पॉजिटिव लोगों की मेहनत है जो एक साथ होकर, सारे पॉजिटिव लोगों ने एक साथ होकर इस फिल्म को तराशा है, अपनी जान लगा दी, अपनी पूरी एनर्जी लगा दी इस फिल्म को बनाने में, निस्वार्थ इस फिल्म को किया। हर एक आर्टिस्ट ने, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने, सब ने शिद्दत के साथ काम किया। इस फिल्म को करते वक्त सब लोग बाकी काम को भूल चुके थे, सबका ध्यान अपने अपने कैरेक्टर पे था, अपने काम पर था और उसी पॉजिटिव सोच की वजह से ये फिल्म निकल कर आई। एक नया सूर्य लोगों को दिखा रही है, इसमें बताया गया है कि जातिवाद कुछ नहीं होता, सब दिखावा है और ये फिल्म समाज को जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का काम बिल्कुल नहीं करती। और इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ कहीं भी बैठकर आराम से देख सकते हैं। इस फिल्म में कोई भी वैसा वल्गैरिटी सीन नहीं लिया गया है जो बॉलीवुड में आप लोग देखते हैं। आजकल जनता सबसे ज्यादा वही सीन देखना पसंद करती है, ये जनता की बेवकूफी है, वो आने वाली जनरेशन को खराब कर रही है। लेकिन हम उस जनरेशन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए, मैं नहीं, हमारे प्रोड्यूसर इस फिल्म के जरिए उस जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को ये मैसेज पहुंचाना चाहती है कि नहीं, असल जिंदगी ये है जो आप देख रहे हो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, वो असल जिंदगी नहीं है। अपना परिवार, अपना हिंदुस्तान, अपना भारत ऐसे चला है, ये सभ्यता रही है, ये संस्कार अपने भारत का रहा है, तो वो सारी चीजें इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। नाम रजनी सर, मैं इस फिल्म काली में सहायक निर्देशक हूँ। ये फिल्म में अंतर्जातीय विवाह, गृह, महत्वाकांक्षा, कैसे एक भाई दूसरे भाई को अपने वर्चस्व के लिए करता है, उन सब के बारे में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी मूवी को आप जानते हैं, ये इससे बिल्कुल अलग है। ये एक बिल्कुल पारिवारिक और साफ सुथरी मूवी है, आप इन्हें भी देखिए। और ये 23 तारीख को यूट्यूब पर रिलीज हुई है, भूमिका फिल्म्स के चैनल पर, आप उसको जाइए और प्लीज आप इस मूवी को देखिए। धन्यवाद। मैं मिली नीना हूँ और मैं सोशल वर्कर हूँ और मेरी अपनी खुद की अकेडमी भी है दिल्ली में। मैं सोशली 6 साल से वर्किंग हूँ और एक सेलिब्रिटी टैरोट कार्ड रीडर और न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, साथ साथ मेकअप आर्टिस्ट भी हूँ। तो बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ सोशली भी। और अनीता जी और मनोज जी मेरे साथ 4 साल से हम लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं और हमारे अवार्ड फंक्शन भी होते हैं तो वहाँ भी ये सम्मानित रहे हैं।
और बहुत टाइम से ये जो जोड़ी है अनिता जी की मनोज जी की बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जो मैंने आज यहाँ इनका काम देखा काली पिक्चर और एक समाज के लिए मैसेज है इसमें और आगे ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं लोगों को, तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करना बनता है हम लोगों का। और सोशली अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो आगे एक प्रोत्साहन मैसेज नहीं जाता है। तो मेरा यही रहता है हमेशा कि जो अच्छा काम करे उनके साथ हमेशा हमें सपोर्ट देना चाहिए। और इन दोनों की जोड़ी जो है वो बहुत बेमिसाल है, मतलब आपस में आप देखेंगे भी तो बहुत अट्रैक्टिव एक जोड़ी है। और एक टच माता रानी की ब्लेसिंग्स है उनके साथ में, और मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई अच्छा काम करता है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। और आगे ऐसे ही ये समाज में बना है और बहुत सारी शुभकामनाएं इनको। और काली पिक्चर में जो रोल था जो गाना था, मतलब बहुत टाइम बाद मैं भी अभी देख रही हूँ कि इस तरह की जो मूवीज चल रही हैं और एक लैंग्वेज से हम समाज को जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डिलीवरी बहुत अच्छी थी और गाने बहुत अच्छे थे, जिस तरह से एक्ट कर रहे बहुत अच्छा था। और मनोज जी की एक्टिंग तो वैसे बहुत मतलब बेमिसाल है। और अजंता अलोरा की जोड़ी में बोलती हूँ दोनों को, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको। इतना थैंक यू।